सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। लोभी आदमी कब प्रसन्न होता है? लोभी कब प्रसन्न होता है? जोर से बोलो। इतने लोभी बैठे हुए हैं, इतने लोभी, कुछ पूछो ही नहीं। आज हमारे सनातनियों का सारा लोभ धर्म पे जागृत हो जाता है और दुनिया में जाएं तो भयंकर अधर्मी होके खूब खर्चा करते हैं। लेकिन जो सच्चा लोभी होगा ना, जो सच्चा लोभी होगा वो मर जाएगा पर पैसा खर्च नहीं करेगा। जो सच्चा होगा, जो जगह सोच सोच के खर्चा करते हैं, यहाँ नहीं करेंगे वहाँ करेंगे, वो लोभी नहीं है, वो कुछ और तरीके के लोग हैं। और भगवान उनकी संपत्ति कब कहाँ किसकी लगवाए वो भगवान जाने, लेकिन लोभी जो होगा उससे पैसा नहीं छूटेगा। एक लोभी थे भयंकर, सेठ जी, भयंकर कंजूस, चवन्नी खर्च नहीं। सेठानी दुखी, सेठानी बड़ी दुखी, बोले ये खर्च नहीं करता है। इवन इतना धन होने के बाद भी बच्चों से कहता था दो सब्जी खाने की क्या जरूरत है जब एक सब्जी खा के जिंदा रह सकते हैं। तो और किसी किस बोल ऊपर से उपदेश देता, भाई एक आध दिन चटनी से भी खाना चाहिए। बच्चे बड़े परेशान, सेठानी बड़ी परेशान, ये पैसा है किसके लिए जब खाना ही नहीं है। तो बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ जी कथा में चले गए, उनका कोई कथा बता में जाने का भी शौक नहीं होता था, वो तो एक उनके मित्र पीछे पड़ गए, जबरदस्ती चले गए। तीन दिन कथा हुई और तीन दिन पंडित जी दान के ऊपर ही बोले, यहाँ दान करोगे तो वहाँ स्वर्ग मिलेगा, यहाँ दान करोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, यहाँ दान करो। तीन दिन लगातार जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें पंडित जी ने दान के ऊपर। कलयुग में तो दान ही है जिससे धर्म आगे बढ़ेगा, ये वो बहुत बोले। अब सेठ जी ने तो कभी किया नहीं और माता ठनक गया, पंडित जी कह रहे दान करे कल्याण, अब क्या करें। मन में ठान लिया अब हम दान करेंगे, अंतिम समय जिंदगी का पता नहीं कब चल बसे, अब दान करेंगे। कथा के बाद घर गए, घर वालों को कह दिया अब हम दान करेंगे। पंडित तो सेठानी बोली जोक मत करो, मजाक मत करो, तुम्हारा और दान का क्या मतलब। चटनी से रोटी खाने वाला आदमी, खिलाने वाला आदमी दान करेगा? नहीं नहीं तुम मजाक में मत लो, हम दान करेंगे। ठीक है, सेठानी मनी मन खुश हुई, शुक्र है कुछ तो आया इसके दिमाग में, बड़ी खुश हुई। बच्चों को बुलाया, चार बेटे थे, इधर आओ। हाँ जी, बोले बेटे आज तक हम लोगों ने, मैंने कभी ये सब ऐसा दान पुण्य नहीं किया, आज कथा सुनने की बाद इच्छा हुई है वो हम दान करेंगे। वो भी कहते थे एक कुर्ता एक साल पहनने वाला आदमी, फट जाए दोबारा सिलवाने वाला आदमी, तीन ये कुर्ता जो इन्होंने पहन रखा है वो 10 जगह से सिला हुआ है और फिर भी उसी को पहन के काम चला रहा है, ये क्या दान करेंगे। बोले नहीं तुम मेरे को मजाक मत लेना, मैं दान करने का है, अब करने का है दान, उम्र आ गई मेरी दान की। अब छोटे वाले को टेंशन हुई कि आज तक तो इन्होंने दान कहा नहीं, अब ढिढोरा पीट रहे हैं दान का, कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर का इकट्ठा आज ही कर दें। तो छोटे वाले को टेंशन हो गई, बोले पिताजी क्या दान करूं, बताऊंगा नहीं, गुप्त दान करूंगा, और टेंशन हो गई। अब बच्चों को तो ज्यादा, थोड़ा बहुत करो तो कोई बात नहीं, अब कहीं ऐसा ना मेरा भी घर सब कुछ दान कराओ तो हम कहां जाएंगे, सारा ही ट्रस्ट को दे दोगे। तो बच्चों को टेंशन ना, बाबा बताओ पिताजी, नहीं बेटे नहीं, पंडित जी ने कहा गुप्त दान। अरे पंडित जी जीवन भर इसने दान नहीं किया बाबू ने, अब दान करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ कर दें। सभी माँ के पास गए, माँ बोले हाँ, बाबू को रोको। बोले कैसे? बोले दान देने की बात कर रहे हैं। माँ ने बैठा ला चारों को, आओ तुम लोगों से जानता, मैं तुम्हारे बाप को जानती हूं, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, बस चिंता मत करो। दूसरे दिन सेठ जी गए कथा में, जो दान देनी थी वो राशि हाथ में बंद करके बैठे थे।
बार बार देखे, आज तुझे दान कर डालूंगा। नोट थे नोट, कथा में आप ऐसे थोड़ी देर बैठे रहो तो वैसे भीड़ भी बहुत है और वैसे भी पसीज जाता है ना, पसीना आता है तो वो गीला हो जाता है, तो गीला करके कथा बीच में पहुंच गई और कथा में जो है तो बीच में देख के वो गीला हो गया नोट। तू रो रहा है, तू रो रहा है। हाँ भाई, तेरा भी मन कहाँ करेगा जाने का, हमेशा तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तू कैसे मुझे। प्रेम तो हो ही जाता है, अटैचमेंट तो होती है, पर भाई तू रो मत, आज तो दान देऊंगा ही देऊंगा। कथा पूरी हो गई, आरती ओम जय जगदीश हरे, तू ज्यादा मत रो। और गीला हो गया उतनी देर में, ओह बहुत रो रहा है पर तुझे दान दूंगा। जानते हो वो जो नोट था वो 2000 का था, 1 रुपए का था, वो 1 का नोट था, कोरा 1 का नोट था। उसे बैठ के देख देख के खुद तू रो मत, मैं रो पड़ूंगा तेरी उदासी को देखकर। आरती वाला आ गया, सेठ जी रुक जा, बात कर रहा हूं, रुक जा ना, तुम लोगों को लेने की पड़ी है, रुक। तू बाकी मत रो, देख ये तो संसार है, योग वियोग, मिलना बिछड़ना सब लगा रहता है, जा अपना ध्यान रखना। फिर वहां जाके ओय 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 कितना, डोंट बी अपसेट, डोंट डोंट, आरती पे घुमाया। वो बोला आप चढ़ा रहे हो कि मैं जाऊं आगे, आपके चक्कर में और लोग जा रहे हैं निकल रहे हैं, उनको तो आरती देने दो, चढ़ाना है कि नहीं। अच्छा तू अब आगे जा, हम नहीं दे रहे। वो भी एक जेब में रख लिए। तो कई तो बहुत कंजूस होते हैं, बहुत नहीं होना चाहिए।